hypothyroidism is more common than hyperthyroidism. Hello all, I am Dr. Jyoti Jangle. Welcome back to my channel Ayurveda and Health. This is the continuation of our thyroid gland series. Let's begin with the investigation part. For thyroid, we do thyroid function test or thyroid profile. It includes T3, T4 and TSH levels. Next investigation is USG of thyroid gland to estimate size and volume of the thyroid gland. This is all about basic investigations. There is one term called subclinical hypothyroidism that everyone should know. In this, T3, T4 levels are normal and TSH, that is thyroid stimulating hormone, is high. In this condition also, you need to take treatment. Ayurvedic Shastra ke drushtikon se agar dekha jaye, to aisa dhyan mein aata hai ki hypothyroidism mein kapha vat aur hyperthyroidism mein pitta vat, inke lakshan bahut zyada hote hain. Now the treatment for hyper and hypothyroidism. So there are certain things that are common for both. First is Nidana Parivarjan, means avoidance of causative factors. Jin karno ki wajah se ye disease hua hai, un karno ko avoid karna. Second is Dinacharya, that is daily regimen. Subah uthne ke baad sone tak kya kya kriyae karni chahiye, kaun se sequence mein karni chahiye, iske bare mein detail information Dinacharya mein batai gayi hai. उसका पालन करना चाहिए. नेक्स्ट इज आहार विधि विधान, डायटरी रूल्स एंड रेगुलेशन, इनको फॉलो करना चाहिए. इसके बारे में हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं. इसी के साथ ऋतुचर्या, मीन सीजनल रेजिमेन, देन रजस्वला परिचर्या, केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, देन सुतिका परिचर्या, पोस्टपार्टम रेजिमेन, इन सब का पालन किया जाना चाहिए. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए. हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म में कॉमनली कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ये तो हमने देख ली. अभी हाइपोथायराइडिज्म में क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए वो डिटेल में देखते हैं. खाने में कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो हेवी टू डाइजेस्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे चने, छोले, राजमा, चॉकलेट, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है. कफ और वात बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है. ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है. एसी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है. नहाने का पानी भी ठंडा यूज़ नहीं करना है. जवार, बाजरा, रागी, इसका सेवन कर सकते हैं. इसी के साथ छाछ या फिर मूंग दाल, इनका सेवन भी ये लोग कर सकते हैं. हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में अगर दोष बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, जिसमें वमन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, उद्वर्तन चिकित्सा मतलब पाउडर मसाज की जाती है, जिसमें त्रिफला, हरिद्रा और जव, इनका इस्तेमाल होता है. नस्य चिकित्सा, जिसमें नाक में औषधि तेल या द्रव्य छोड़े जाते हैं. तक्रधारा, ये चिकित्सा का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है. कभी कभी जलौका से रक्त मोक्षण भी इसमें किया जाता है. नाउ दी मेडिसिनल ट्रीटमेंट. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अग्नि मांद्य इज मेन कॉज हियर. तो ऐसी स्थिति में अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा की जाती है, जिसमें त्रिकटू जैसे चूर्णों का इस्तेमाल किया जाता है. अग्नि को बढ़ाने के लिए दीपन, पाचन और लंघन, ये चिकित्साएं भी की जाती है. अग्नि बढ़ाने के लिए आप घर में भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अदरक का एक टुकड़ा और सैंधव, इनको खाना खाने से पहले चबा के खाना है. योगा फॉर हाइपोथायराइडिज्म में सर्वांगासन, सिंहासन, हलासन, भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम, इन योगा की प्रैक्टिस आप कर सकते हो. नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायराइडिज्म. हाइपरथायराइडिज्म में कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए वो अभी देखते हैं. दूध, घी, मक्खन, गोधूम मतलब गेहूँ, उड़द दाल, ब्लैक रेजिन्स, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं. इन लोगों को ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उपवास नहीं करना चाहिए. पित्त और वात दोष बढ़ाने वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए.
हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़े हुए दोषों के लिए पंचकर्म चिकित्सा की जाती है, जिसमें विरेचन चिकित्सा, बस्ति चिकित्सा, नस्य चिकित्सा और अभ्यंग किया जाता है। नव मेडिसिनल ट्रीटमेंट, आंवला, शतावरी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नव योगा फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें शवासन, शीतली, सितकारी ऐसी योगा की प्रैक्टिसेस की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट थायरॉयड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।